अस्सलाम वालेकुम जी। तो बेटे यहाँ पे आपके पास सोलबिलिटी प्रोडक्ट के एस पी की वैल्यू गिवन है और वो कहता है कि जो के एस पी की वैल्यू है ये हमारे पास है 0.25 मोल स्केयर डी एम सिक्स। आपसे पूछता है कि सोलबिलिटी की वैल्यू बताएं। बेटा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो याद रखिए आपने सबसे पहले साल्ट में देखना होता है आयंस कितने मौजूद हैं। तो आपके पास साल्ट है ए बी, जब आप इसको डिसोसिएट करेंगे तो आपके पास ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव बनेगा। वन ए पॉजिटिव है, वन बी नेगेटिव है, तो जो आपके पास टोटल आयंस हैं वो आपके पास यहाँ पर टू आयंस हैं वो मौजूद हैं। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँ कि जब भी टू आयंस मौजूद होते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन होता है वो के एस पी इज इक्वल टू एस स्क्वायर देखने को मिलता है। अब के एस पी की वैल्यू 0.25 है, एस आपने फाइंड आउट करना है, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। जब अंडर रूट लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0.25 का जो अंडर रूट है वो 0.5 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा आ जाएगा। बेटे याद रखिएगा ये तो था हमारे पास अगर टू आइंस हों तो आप लोग ये वाला रिलेशन लगाते हैं, अगर आपके पास थ्री आइंस होंगे तो फिर आप के एस पी इज़ इक्वल टू 4s क्यूब का रिलेशन लगा देंगे, अगर आपके पास 4 आइंस होंगे तो आप के एस पी इज़ इक्वल टू 27 इंटू एस की पावर 4 लगा देते हैं। और तो ये हमारे पास चंद एक रिलेशन है जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। इसी तरह से अगर 5 आइंस हों तो आप के एस पी इज़ इक्वल टू 108 एस की पावर 5 जो है आप ये रिलेशन लगाएंगे तो आपके पास जो है वो क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। बस ये देखना होता है कि साल के अंदर कितने आइंस बनेंगे, जितने आइंस बनेंगे उस हिसाब से आप रिलेशन लगा देंगे, आपका आंसर जो है वो इंशाल्लाह सही निकल आएगा। सो दिस वाज द कंसेप्ट मैन दिस क्वेश्चन। स्टिल एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।